से बड़ा कोई अवार्ड हो ही नहीं सकता। आज साकीनाका में हमारे एक ठो सो रहा है, 9:15 बजे हम वहां से फ्री भैनी है। फिर मैंने इनको मैसेज किया कि बहुत ट्रैफिक मिली, एक तो रास्ता की जानकारी नहीं। हम क्या अकेले 10 साल से मुंबई में हूँ, लेकिन अकेले हमको छोड़ दीजिएगा, खुद ड्राइव अगर कर रहा हूँ तो अकेले अंधेरी से फिल्म सिटी जा सकता हूँ और मठ में जा सकता हूँ, तीसरा कहीं नहीं। हमको आज तक पता ही नहीं चला है कौन रोड किधर है यार, कौन सा मेडिकल किधर है, कौन सा कॉलेज किधर है। जो भी अब क्यों कहा था ना कि भैया लिंक रोड पकड़ के हेने से आ जा, लिंक के रोड हमारा पता नहीं है, लिंक रोड कौन है मतलब क्या बोल रहे, सब जगह बता देंगे, सब पता है आप भी महाराज। मैंने मैसेज किया, फिर फोन भी किया कि सॉरी भैया हम ना आ पाए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम विलेन करना आजकल छोड़ दिए हैं, लेकिन इनकी अच्छाई बना जो है वो दिख जाता है, वो दिख ही रहा है जब से मंच पे आए, बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन ये हमारे नसीब में रहा था, हमके लगा था कि हम ना आ पाए, लेकिन आ गए नहीं, और उदित भैया के हाथ से ही हमके अवार्ड मिला। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू। स्कूलों का जादू चलाते हुए दो शब्द बोल दीजिए, मोहन सिंह मंच पे और दो शब्द गुनगुनाए। डिले दो, हेलो हेलो, थोड़ा सा डिले दीजिए। अरशद जी हेलो, कल या परसों, यार तू ऐसा हंस रही हो जैसे लग रहा है मैंने क्या बोल दिया यार। अरे यार म्यूजिक दे दो, मैं कुछ हुआ आ सका था भाई, अथर्वा कॉलेज हमके पते नहीं थे। कोई कहीं जाए के बोला तो ये ना बोला कि हाँ भाई आई हॉस्पिटल या दवाखाना मशहूर है वहां से बाएं ले लीजिएगा। हमार कल या परसों एक ठो गाना रिलीज होता वेब म्यूजिक से, जोने एल्बम के नाम है पगली दीवानी है। तो एक जैसे भैया राजकुमार भैया एक ठो भाव सुनौले हैं, वैसे हम भी एक भाव सुनावल चाहते नहीं रिलीज के पहले। इनका जवाब आप भी दो शब्द गुनगुना के दीजिए। हम रहा बात नहीं काटा वहा, दो सुरों के बादशाह मंच पे जब खड़े हो तो फिर उदित भैया कहीं 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 आए फूल है फूल। आप सबके प्रणाम, गुड इवनिंग, आदाब। सबसे पहले तो भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2017 के बहुत बहुत विनोद जी के शुभकामना, इतने सालों से आप कर रहे हैं और करते रहेंगे, बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। हम सब लोगों की दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह करते रहिए और चोटी पे चढ़ते रहिए। अरे सर सर पवन जी इतना बढ़िया गा दिलन कि हम इनका सामने का गए क्या सुना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओढ़ने के रंग पियर, ओढ़ने के रंग पियर, ओढ़ने के रंग पियर, जादू चला रहल बा, लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहा। कैसा बांध दिया आप लोगों ने समय यहाँ पे, आप दोनों
बादशाहों ने आपसे तो उम्र में छोटा हूँ, इनसे तो उम्र में बड़ा हूँ, नहीं तो दोनों के पांव छू लूंगा। चलिए अब क्या बोलूँगा।